अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर एलियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एमडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन तमाम की पॉइंट्स को आपने तवज्जो के साथ सुनना है सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं सबको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है और ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होता है जो क्या करता है कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म to another form एक सिग्नल की टाइप को दूसरे फॉर्म में क्या करता है कन्वर्ट करता है मिसाल के तौर पर मैकेनो रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रेशर टच स्ट्रेच मोशन साउंड इन चीजों को डिटेक्ट करते हैं पेन रिसेप्टर जिनका नाम नोसी है जिन्हें भी कहा जाता ये है।, है ये टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं थर्मो रिसेप्टर जो होते हैं ये रेस्पोंड करते हैं हीट और कोल्ड ठंड और गर्मी को डिटेक्ट करते हैं कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो सोल्ट कंसेंट्रेशन यानी डिफरेंट सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन होती है उसको डिटेक्ट करते हैं अब इन कीमो रिसेप्टर को हम तीन

से होते हैं वो नाइट टाइम पर जो है नाइट विजन में यानी डार्क में में ये डार्कनेस काम करते हैं और कौन से होते हैं वो कलर विजन यानी यानी डे लाइट अच्छी रोशनी के अंदर ये वर्क करते करते हैं 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 अब बात करते हैं, जो होते हैं, ये रिसेप्टर के बाद आपको मालूम है सिग्नल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाता है फिर वहां से मोटर न्यूरोन के जरिए अफेक्टर तक पहुंचता है अफेक्टर जो होते हैं वो मसल्स या ग्लैंड हो सकते हैं और ये रिसीव कमांड कमांड को रिसीव करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों शामिल है। इसका हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं तो अब न्यूरॉन के कुछ पार्ट्स की हम बात करेंगे इसका इसकी सेल बॉडी जिसे सोमा कहते हैं मैन्युफैक्चर न्यूरो याद रखिएगा न्यूरोन की जो सेल बॉडी सोमा है उसका मेन काम है न्यूरो को मैन्युफैक्चर करना जबकि ये स्टोर हो जाते हैं सेक्रेटरी वेजिकल एट द एंड ऑफ एक्सोन दो बातें याद रखना न्यूरो ट्रांसमीटर से मैन्युफैक्चर होता है तो आपका आंसर अच्छा होगा सोमा कहाँ

ये यूनिफॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है बहुत लॉन्ग होता है और ये न्यूरॉन को ये एक्जोन की वजह से ये हमारे सेल को बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट बनाते हैं इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे एक्सो इसकी मेमब्रेन जो होती है उसे एक्जोलीमा कहते हैं और इसका जो साइटोप्लाजम होता है उसे एक्जो कहते हैं इसका काम क्या होता है कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ट्रांसफर इट टू अनदर न्यूरोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करना और उसे दूसरे न्युर तक ट्रांसफर करना फिर इसके बाद जो है वो न्यूरोग्लिया की हम बात करेंगे जिसे ग्लाइल सेल कहते हैं सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरो न्यूरोग्लिया जिसे ग्लाइल के देखें मेन जो फंक्शनल स्ट्रक्चर था वो न्यूरोन थे अब इसके सपोर्टिंग सेल जो है वो ग्लाइल है ये सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम है अब पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो गिलायल सेल होते हैं उसे शॉन सेल कहते हैं ये माइलिन शीत बनाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं उन गलायल सेल को हम कहते हैं ओलीगो डेंड्रोसाइज ओवरऑल न्यूरोग्लिया का, का काम क्या होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना एक्जोन की माइग्रेशन को गाइड करना और इम्यून सिस्टम के अंदर अहम किरदार अदा करना फिर इसके बाद हम बात करते हैं नोड ऑफ रेनवेयर और न्यूरोफिब्रिल नोड्स ये नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है एक्सॉन का बिटवीन टू शॉन से माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होता है इसके दो माइलिनेटेड पार्ट के बीच में जो नॉन माइलिनेटेड वाला हिस्सा होता है उसे नोड ऑफ रेनवेर कहते हैं या जिसे न्यूरोब्रिल नोट्स कहते हैं अब रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं उसके अंदर रिसेप्टर होता है फिर सेंसी न्यूरोन होते हैं फिर इंटर न्यूरोन होते हैं फिर मोटर न्यूरोन होते हैं और फिर क्या होता है अफेक्टर होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की एक्जाम्पल जो है क्या है नीचर और पेन विथड्रॉबल है फिर नर्व इंपल्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन ये वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो फ्लो ऑफ आयंस पर डिपेंड करते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अराउंड अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है वोल्टेज मेजर अक्रॉस न्यूरोलिमन न्यूरॉन की मेंब्रेन के अराउंड जो वोल्टेज मेजर किया जाता, जाता है उसे मेंब्रेन पोटेंशियल कहते हैं नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है न्यूरॉन के सेल के इनसाइड पोटेशियम जो है वो 30 टाइम्स ग्रेटर होते हैं बाहर के मुकाबले में जबकि

वोल्टेज होता है उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है -70 मिलीवोल्ट अब अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से ज्यादा हो जाए तो वो हाइपरपोलराइज़ कहलाता है मोर नेगेटिव देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और अगर ये कम नेगेटिव हो जाए तो उसे डीपोलराइजेशन कहते हैं न्यूरोन है फार मोर पोटे पोटेशियम लीकेज चैनल दैन सोडियम लीकेज चैनल सो न्यूरोन के पास जो है वो पोटेशियम के जो लीकेज चैनल यानी जो पोटेशियम को अंदर से बाहर ले जाने वाले जो चैनल हैं वो पोटेशियम के मुकाबले सोडियम के मुकाबले में पोटेशियम के चैनल्स की तादाद बहुत ज्यादा है पोटेशियम डिफ्यूज आउट ऑफ न्यूरोमा एट मच फास्टर रेट दैन सोडियम लीक सोडियम जितनी रफ्तार से बाहर से अंदर आता है जबकि जितनी रफ्तार से आ रहा होता है उसके कई गुना ज़्यादा रफ्तार जो होती है वो पोटेशियम जो है उस अंदर से बाहर जाते हैं फिर इस पर जो काम करता है उसकी कंसनट्रेशन को मेनटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो क्या करता है सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो दो पोटेशियम को सेल के अंदर लेकर आता है और बदले में तीन सोडियम को जो है वो बाहर लेकर जाता है और इस पूरे प्रोसेस में एक ए जो है वो कंज्यूम होगा यानी हर दो पोटेशियम आइन को सेल के अंदर लाने के लिए और तीन सोडियम आइन को बाहर ले जाने के लिए एक एटीपी जो है वो कंज्यूम होता है ये पॉइंट भी याद रखना है फिर इसके बाद जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलता है एनी स्टिमुलस रिसीव बाय द न्यूरॉन न्यूरॉन को जैसे ही स्टिमुलस मिलता है टच साउंड वाइब्रेशन

कहते हैं capable to produce action potential, और जो नहीं कर सकता उसे सब थ्रेश जो कोई अराइज नहीं कर सकता इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगता है टेन टू थर्टी मिली लगते हैं और हमने कहा इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आइन्स टेन टाइम्स मोर इसमें क्या होता है डीपोलराइजेशन के दौरान नॉर्मली क्या होता है कि सेल के अंदर जो है वो, वो सोडियम जो है वो आ रहे होते हैं लेकिन डीपोलराइजेशन में दस गुना ज्यादा रफ्तार से सोडियम जो होते हैं वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स ऑल और नन रिस्पॉन्स के अंदर क्या है अगर स्टूमल जो है वो थ्रेश वैल्यू से ज्यादा है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा अगर स्टूमल जो है वो थ्रेशल पोटेंशियल से क्या है कम है बिल्कुल भी एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा यानी या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा बीच वाला कोई रास्ता नहीं है कि थोड़ा बहुत पोटेंशियल हो जाए थोड़ा बहुत नहीं तो इसे कहते हैं ऑल या नन या तो पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात करेंगे ब्रीफ पीरियड आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इंपर्स। नर्व विम्पल्स गुजरने के बाद एक छोटा सा पीरियड होता है जिसे रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं जिसका टाइम ड्यूरेशन कितना है ट्वेंटी मिली सेकेंड इस पीरियड के दौरान कौन काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है जो कि मैंने अभी बताया था कि तीन सोडियम को बाहर ले जाएगा दो पोटेशियम को अंदर लेकर जाएगा एक ए के टाइम पर तो इस रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है ताकि आइंस की कंसनट्रेशन मेंटेन रहे हाइपर क्या होता है मूव मूव आउट थ्रू पोटेशियम चैनल और

between a neurons and another cell neuron और दूसरे सेल के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होता है हो उसे साइन कहते हैं अब ये दो न्यूरोन के भी हो सकता है सेंसी रिसेप्टर और सेंसी न्यूरोन के भी हो सकता है मोटर न्यूरोन और मसल सेल्स या ग्लेंस के दरमियान भी ये सैन हो सकता है अब ये सैन को हमने फंक्शन के लिहाज से दो सौ में डिवाइड किया है इलेक्ट्रिकल साइनएप क्या होता है उसमें डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन होता है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म आपस में कॉन्टेक्ट में होते हैं और ये ज्यादा कॉमन होता है इन वर्टीब्रेड्स में और वर्टिब्रेट्स के अंदर ये इलेक्ट्रिकल सैन जो है वो काफ़ी कम होते हैं केमिकल साइन में जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर

बढ़ाते हैं उसकी एक्साइटेशन में हेल्प करते हैं एपिनेफ्रिन नॉरपेनेफ्रिन डोपामाइन सेरोटोनिन कॉज डीपोलराइजेशन ये डीपोलराइजेशन करते हैं इसमें हमारे पास डोपामाइन और सेरोटोनिन क्या करते हैं ये अफेक्ट होते हैं अफेक्ट स्लीप मूड अटेंशन लर्निंग इन सारी चीजों के लिए डोपामाइन जो है वो क्या है बहुत जरूरी है अब जो है वो आ, पार्किनसन डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं पार्किनसन डिजीज के अंदर डोपामिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है शीजोफ्रीनिया के अंदर जो है डोपाम का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है फिर इसके बाद जो इन्हबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है इनिबिट्री न्यूरो ट्रांसमीटर में गेमा अमाइनो ब्यूटैरिक एसिड जिसे गाबा कहते हैं दूसरा ग्लाइसिन है ग्लोटामेड है एस्पार्टेट है, है ये क्या करवा देते हैं हाइपर पोलराइजेशन कर देते हैं जिसके नर्व इम्पल्स की रफ्तार जो है वो क्या होती है अफेक्टेड होती है एक न्यूरो है जो कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरो दोनों